हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बताने वाले हैं आपको कि आप अपने आधार कार्ड का सेविंग स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, कि आपका आधार कार्ड किस बैंक में लगा है। जैसे कि इस टाइम स्कॉलरशिप भरने के टाइम आपसे पूछा जा रहा था कि आपका डीबीटी लिंक है कि नहीं, आपके अकाउंट का डीबीटी लिंक या फिर एनपीसीआई है कि नहीं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा दिक्कतें आ रही थी कि डीबीटी और एनपीसीआई में बहुत सारे दिक्कत आ रही थी कि बैंक में जाने के बाद भी आपका जल्दी से एनपीसीआई नहीं हो पा रहा था या फिर डीबीटी नहीं हो पा रहा था। बहुत सारी दिक्कतें थी इस वजह से। जैसे कि अभी भी सम्मान निधि का अगर कोई भी फॉर्म भरा जाए तो उसमें भी डीबीटी पूछता है कि आपके अकाउंट में आपका डीबीटी कार्ड लिंक है कि नहीं। डीबीटी मतलब कि जो भी गवर्नमेंट से पैसा पड़ता है आपके अकाउंट में, उसमें आधार कार्ड के थ्रू ही पैसा डाला जाता है। बहुत सारे अकाउंट में ऐसा है कि डीबीटी लिंक नहीं है। जैसे कि आप कभी फिंगर से अगर पैसा निकाले होंगे तो वहाँ पे भी ऐसा होगा कि कभी आपका स्टेटस नहीं दिखाता या फिर आपका केवाईसी नहीं हुआ रहता है, तो सेम चीज ये दिखाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग अपने मोबाइल फोन से ही केवाईसी कैसे कर सकते हैं किसी भी बैंक का, या फिर आप अपने बैंक में जाकर डीबीटी कैसे लिंक करा सकते हैं, उसमें कौन कौन सा फॉर्म भरा जाता है या क्या क्या दिक्कतें आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ले चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और मैं आपको वहीं पर हर एक चीज स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका आधार कार्ड किस अकाउंट में लिंक्ड है, क्योंकि सबसे पहले ये बताना जरूरी होता है कि आपका आधार कार्ड कौन कौन से बैंक में लिंक है। इससे ये होता है कि आपका अगर आधार सीडिंग कराई जाती है तो वो तुरंत हो जाता है। तो सबसे पहले चलिए हम स्क्रीन साइड में मैं लगाता हूँ और वहीं पे आपको दिखाता हूँ कि अपना आधार कार्ड का सीडिंग स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डीबीटी लिंक कैसे कराया जाता है और किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल को ओपन करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स पे सर्च करना है UIDAI। ये है आधार कार्ड की ऑफिशियल साइट जहाँ से कि हम लोग अपना आधार कार्ड का सेविंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। और मैंने इसके लिए एक सेपरेट पूरा वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैंने बताया है पूरा फुल ट्यूटोरियल है उसमें आधार कार्ड सेविंग स्टेटस के बारे में, तो आप लोग जाइएगा वहां से चेक करिएगा। लेकिन आज ये डेडिकेटेड है आपके डीबीटी और एनपीसीआई के थ्रू कि एनपीसीआई और डीबीटी कैसे कराया जाता है। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे गूगल खोल कर यहाँ पे सर्च भी कर लिया है UIDA। तो आपको सबसे पहले अपना इस लिंक को ओपन करना है, जैसे कि मैंने इस नेक्स्ट वीडियो में बता रखा था ये चीज है। तो सेम चीज आपको करना है, यहाँ पे इंग्लिश आपके लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंग्लिश। और सेम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट है वो खुल चुका है। आप लोग इस पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका लॉग इन करने का एक ऑप्शन आ जाता है। लॉग इन करना बहुत ही ज्यादा आसान है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आया वेलकम टू माय आधार, उसके बाद यहाँ पे देखिए लॉगिन का प्रक्रिया यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको करना है लॉगिन। जैसे ही आप लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो साइट है वो खुल जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डालना है आपका आधार कार्ड नंबर, नीचे डालना है कैप्चा, उसके बाद करना है सेंड ओटीपी। आपके आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है जिससे कि आप लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे पूरा करके फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने UIDA पे लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको करना होता है दो तीन सिंपल से स्टेप। जैसे कि अगर आपको जानना है कि किस बैंक में आपका डीबीटी लिंक है या फिर एनपीसीआई लिंक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चेक करना होता है आधार सेडिंग स्टेटस। जैसे आप लोग आधार सेडिंग स्टेटस से चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए दिखा दे रहा है यहाँ पे कांग्रेचुलेशन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है कि आपका जो आधार कार्ड जो मैपिंग है या फिर डीबीटी लिंक होता है या फिर जो भी एनपीसीआई होता है वो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा बैंक में जो एक्टिव है मेरा एनपीसीआई या फिर डेबिट कार्ड, अगर मैं इससे कहीं भी लगाऊं तो ये इजिली लग सकता है मेरा इंडियन बैंक। देखिए मैं अगर कोई फॉर्म भरने में अगर अपने इंडियन बैंक का अकाउंट अगर देता हूँ तो यहाँ पे मेरा एनपीसीआई बिल्कुल लिंक तो हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो मेरा लास्ट का आधार कार्ड है वो यहाँ पे दिखा रहा है और यहाँ पे इंडियन बैंक में मेरा एनपीसीआई और डीबीटी लिंक्ड है। आप लोग भी ये बिल्कुल सिंपली चेक कर सकते हैं अपने घर पे अपने मोबाइल फोन से। अगर डीबीटी यहाँ पे नॉट दिखा रहा है, नो बैंक लिंक्ड, तो आप लोग जाकर अपने बैंक से जिस बैंक में आपका आधार कार्ड या फिर जिस बैंक में आपने अकाउंट खुला रखा होगा वहां पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं और वहां पे अपना केवाईसी करा लीजिएगा। जब भी आप लोग केवाईसी कराते हैं तो आपका जो डीबीटी और एनपीसीआई होता है दोनों साथ में लिंक्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे केवाईसी में ये होता है कि जो आपका आधार कार्ड होता है उसको जोड़ा जाता है आपका आधार कार्ड और बैंक को, तो उसमें एनपीसीआई लिंक्ड हो जाता है। और आपका कहीं भी अगर आधार कार्ड से पैसा डाला जाता है आपके अकाउंट में तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में भी आ जाता है। तो उसके लिए आपका अकाउंट नंबर कंपलसरी नहीं होता है, आप लोग अपने आधार कार्ड से भी पैसे जमा कर सकते हैं।
ये होता है। और आप लोग कहीं भी कोई भी फेक वीडियोस देखते हैं कि आप लोग अपने घर बैठे ही मोबाइल पे NPCI DBT या फिर KYC कर सकते हैं, तो बिल्कुल रॉन्ग वीडियोस है। आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल भी फॉलो मत करिएगा। अदरवाइज अगर आपका पैसा कटता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप लोगों की ही होती है, उसका कभी बैंक नहीं देखता है कि आपने किस सर्वर पे जाके चेक किया है। क्योंकि आप लोग अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो बहुत ज्यादा फेक वो साइट भी होते हैं जहाँ पे आप लोग कहीं लॉगिन करते हैं, अपना आधार कार्ड डालते हैं, अकाउंट नंबर डालते हैं, तो आप लोगों का वहां से पैसा कटने का एक डर बना रहता है। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन DBT लिंक के लिए आप लोग किसी भी साइट पे अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप लोग अपलोड ना करें, अदरवाइज उससे दिक्कतें आपके लिए ही बढ़ेंगी, किसी और के लिए नहीं। तो बस आज का यही था एक सिंपल सा वीडियो, जिसमें एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि NPCI के लिए कोई भी साइट नहीं है, कोई भी वेबसाइट नहीं है, वो सिर्फ आपका बैंक ही NPCI और DBT लिंक कर सकता है, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर फॉर्म भी आपको बैंक में ही प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वो फॉर्म भी जाके अपने बैंक से ही ले लीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।